बिहार हमेशा से ही अपने स्वर्णिम अतीत के गौरवों से दुनिया को रूबरू कराता आया है, चाहे वो मगध साम्राज्य हो या विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा, बौद्ध गया हो या वैशाली, आर्यभट्ट, चाणक्य, महान सम्राट अशोक जैसे महान विद्वानों की कर्मस्थली क्यों न हो। दोस्तों, इस गौरवशाली अतीत के कालांतर में एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल भी था जो विस्मृति के गर्त में समा गया था, या मान्यताओं के आधार पर ऐसा भी प्रतीत होता है कि मध्यकालीन युग में आक्रांताओं के क्रूर दमन के कारण इसे यूं ही भुला दिया जाना श्रेयस्कर समझा गया, जिसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के रूप में एक अलग पहचान मिला। यह बौद्ध स्तूप बिहार की राजधानी पटना से 110 किलोमीटर दूर पूर्वी चंपारण के केसरिया जगह पर स्थित है, इसलिए इसे केसरिया स्तूप भी कहा जाता है। यह अद्भुत स्तूप 30 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। यह बृहत बौद्धकालीन स्तूप, जो कि सदियों से मिट्टी से ढका हुआ था, जिसे स्थानीय लोग पुराण प्रसिद्ध एक उदत सम्राट राजावेन का गढ़ मानते थे। राजावेन कोई काल्पनिक नाम नहीं है दोस्तों, इसकी चर्चा श्री महाभागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंध के 13वें तथा 14वें भाग में किया गया है। 450 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान एवं 635 ईस्वी में ह्वेन सांग के यात्रा वृतांत के अनुसार वे बुद्ध से जुड़े स्थानों को देखने भारत आए थे। इन लोगों ने इस स्थान को खंडहर के रूप में देखा था। उनके अनुसार यह स्थान वैशाली से उत्तर पश्चिम में स्थित अति प्राचीन बौद्ध स्तूप है। स्तूप का यह स्थल यह भी प्रमाणित करता है कि भगवान बुद्ध के प्रिय स्थल वैशाली से उनके जन्म स्थान कपिलवस्तु लुम्बिनी जाने के मार्ग पर अवस्थित है। इस प्राचीन मार्ग पर 6 अशोक स्तंभ तथा 3 बौद्ध स्तूप केसरिया, लौरिया नंदनगढ़ तथा जानकीगढ़ है। चीनी यात्री फाहियान के यात्रा वृतांत के अनुसार केसरिया के देवरा स्थल पर भगवान बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण के ठीक पहले वैशाली से कुशीनारा, जो कि वर्तमान में कुशीनगर, जाने के वक्त एक रात का विश्राम किया तथा साथ में आए वैशाली के भिक्षुकों को अपना भिक्षा पात्र प्रदान कर कुशीनगर के लिए प्रस्थान किया। इस बृहद स्तूप का निर्माण 200 एडी और 750 एडी के बीच में हुआ था। मिट्टी से ढके इस बृहद स्तूप को सर्वप्रथम कर्नल मैकेंशी ने 1814 ईस्वी में पता लगाया। उसके बाद होडसन ने 1835 में अपनी एक रिपोर्ट में केसरिया की यात्रा का रेखाचित्र पेश किया था। सन 1862 में जनरल कर्निंगहम ने स्तूप को देखा था, तो उस समय यह लगभग 62 फुट ऊंचा एवं लगभग 1400 फुट परिधि में फैली थी, जिसका व्यास 68 फुट 5 इंच एवं स्तूप की ऊंचाई लगभग 51 फुट थी। कर्निंगहम के अनुसार स्तूप का यह भाग अपने मूल स्वरूप में संभवतः 80 से 91 फुट तक रहा होगा। सन 1958 में भारतीय पुरातत्व विभाग के पुरातत्वविद के मोहम्मद के द्वारा उत्खनन कार्य के दौरान केसरिया स्तूप की खोज हुई। दोस्तों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद इसकी खोज एवं संरचना के बारे में बताते हुए कभी आश्चर्य भी होती है तो कभी हैरानी भी होती है। आश्चर्य तब होती है दोस्तों जब 1998 में पुरातत्व अन्वेषण अर्थात आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन विभाग के द्वारा केसरिया में उत्खनन के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप यहाँ मिलता है। लेकिन हैरानी तब होती है दोस्तों जब हमारी टीम को ये ज्ञात होता है कि 60% हिस्से की ही खुदाई हो पाई है, बाकी हिस्से अब भी खुदाई के इंतजार में हैं। जानकारों का मानना है कि अगर इस इलाके की तत्परता से
खुदाई की जाए तो कई सारे तथ्य सामने आएंगे। इस स्तूप को देखने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। यहाँ चीन, कंबोडिया, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल सहित देश के विभिन्न भागों से पर्यटक आते हैं। वर्ष 2001 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप घोषित किया था, जिसकी ऊंचाई 104 फीट है एवं परिधि 1400 फीट है, जो कि इंडोनेशिया के जावा में स्थित विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप से 1 फीट ही ज़्यादा है, जिसे यूनेस्को द्वारा सबसे ऊंची बौद्ध स्तूप की सूची में डाला गया था। दोनों बुद्ध स्तूप की कई सारी समानताओं में एक है स्तूप का 6 तल्ला होना, दूसरा है केसरिया स्तूप का व्यास एवं बोरबदूर स्तूप की चौड़ाई भी एक समान है। 6 तल्लों वाला इस स्तूप के प्रत्येक तल्ला पर नियमित अंतराल पर दीवारों में सील हैं, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा एवं अन्य मुद्राओं में भगवान बुद्ध की खंडित मूर्तियां भी हैं। दोस्तों, अब केसरिया स्तूप से जुड़े कुछ रोचक तथ्य साझा करने जा रहा हूँ। पहला, केसरिया का प्राचीन नाम केशापुटा था। दूसरा, केसरिया स्तूप का वर्तमान संरचना मौर्य, शुंगा एवं कुशाना काल में हुआ है। तीसरा, उत्खनन से पहले स्थानीय लोगों के द्वारा इसे देवाला भी कहा जाता था, जिसका मतलब भगवानों का घर होता है। ऐसा मान्यता था कि यहाँ बने शिव मंदिर को पुराण में वर्णित राजा भीमा ने बनाया था। चौथा, 1998 में उत्खनन के दौरान कई सारे पुरातात्विक सिक्के, तांबा के बर्तन, मिट्टी के बर्तन इत्यादि भी मिले हैं। पांचवा, वर्तमान में यह स्तूप 1400 फीट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 51 फीट है। छठा, केसरिया में ही विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर विराट रामायण मंदिर भी बन रहा है, जो कि कंबोडिया के ओंकारवाट मंदिर से भी बड़ा होगा। दोस्तों, अगर आपको विश्व की सबसे ऊंची इस बौद्ध स्तूप के बारे में हमारी ये वीडियो अच्छी एवं रोचक लगे तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।